कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ एंड मस्त हूँ भाई, ऊपर वाले की कृपा से। तो पिछले कल मैंने एक बैलून लिया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा बैलून है। इससे आवाज़ बहुत ही अलग आती है, आप देख सकते हो। ये बैलून मेरे को सच में बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि बचपन की यादें इस बैलून ने मेरी ताज़ा कर दी है। बचपन में हम ऐसे ऐसे खेला करते थे, तो ये भी मैंने अपने रूम में रखा हुआ है यहाँ। तो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ, तो अभी फटाफट से थोड़ा तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं सीधा ही सोलांग वैली की तरफ। फाइनली मैं हो गया हूँ तैयार। तो जैकेट काफ़ी मोटी लगा रखी है अभी गर्मियों के टाइम में, क्योंकि आज बाहर का मौसम थोड़ा ख़राब है। आइए देखते हैं बाहर का मौसम। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो पूरे बादल बादल आ रखे हैं, बहुत ही ठंड भरा मौसम है बोले तो। तो पिछले दो तीन दिनों से यहाँ पे ऐसा ही मौसम है भाई, ख़राब मौसम, बारिश हो रही है। तो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉगों में, पिछले दो दिन के ब्लॉग में बारिश जो है हो रही है। तो बारिश बहुत ही अच्छी बात है, बारिश होना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आया हूँ यहाँ अपने अंकल के घर। तो यहाँ मेरे को पेट्रोल ले जाना है इस कैनी से भर के, ये 10 लीटर वाली कैनी में ले जाना है भर के थोड़ा सा। तो सीधा ही अपने बाइक में डालना है सोलांग। तो अभी मैं तेल भर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मेरे पास कैमरामैन कोई नहीं है, मिलते हैं उसके बाद। अभी के लिए मैंने इतना तेल जो है भर लिया, फिलहाल के लिए चलते हैं। अभी जाना है मेरे को इस लोकेशन पे, दिखा दूँगा आपको जो आप ये ग्लेशियर देख रहे हो, इस लोकेशन की तरफ जाना है सीधा। तो देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिली तो अच्छा है, क्योंकि इतना भारी लेके 1.5 किलोमीटर चलना मजाक की बात नहीं है भाई। चलिए चलते हैं, चलो चलो जान लो। अभी सोल भाई की लिफ्ट मिल गई थी, तो बहुत ही ये पहचान से अपने सोल भाई की लिफ्ट मिली हुई थी, नहीं तो तेल के साथ मेरा पूरा हाल हो जाता है यहाँ तक पहुँचने में। बस वही यही रुका मेरे को। तो अभी देखो लिफ्ट की बात ही कर रहा था मैं, तो मुझे लिफ्ट भी मिल गई, वो भी अच्छी खासी भाई सोल भाई की, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब कि वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, पर इनका व्यवहार जो है सबके प्रति बहुत ही अच्छा है। तो अभी डालते हैं तेल पेट्रोल, तो इसमें बहुत कम पेट्रोल है, तो अभी डालना पड़ेगा थोड़ा सा और थोड़ा सा दूसरे बाइक के लिए रखना पड़ेगा। अपने हालू भाई आ रहे हैं पीछे से, वो इसको ऑपरेट करेंगे, तो वो अपने हिसाब से तेल डालेंगे इसमें, मैं इस वाले में डालता हूँ अभी। तो आधा तेल मैंने अपनी बाइक में भर लिया है, तो आधा दूसरे बाइक में भरेगा अपना कृष्ण भाई। तो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी अपने आलू भाई भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो ये इनका बाइक रह चुका है, अभी ये स्टार्ट होने की दिक्कत है इसमें। मैं भी ट्राई कर रहा था, अभी आलू भाई करेंगे ट्राई, करो वाला किक मार के, बिल्कुल ही नहीं भाई इसकी, मेरे को लगता है बैटरी है, किक मार के करो स्टार्ट, सेल्फ से नहीं होगा ये, किक मार लो। गुड यार, एक्सीलेटर क्यों दे रहा है, वाह हो गया स्टार्ट फाइनली। तो बहुत ही हैप्पी, मैं अब तक 10 किक मार चुका था इसमें, पर मेरे हालत ख़राब हो गई थी मारते मारते, पर अभी एक ही में ये स्टार्ट हो गया।
आलू भाई के हाथों ने जादू कर दिया, मैजिक बोले तो मैजिक। ये अपना एटीजी बाइक है, ये है जैगवार, पता है ना आपको, कुड़ी कहती बेबी मैनू जैगवार ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, अभी मेरी हालत ऐसी हो गई कि बारिश के साथ पूरा गीला गीला हो रहा है, तो आज बहुत ही धुआंधार बारिश यहाँ पे हो गई सोलांग वैली में। तो ऐसे में मैं सोच रहा था कि आज मेरी प्लानिंग थी शाम को कुल्लू जाने की, तो वो भी कैंसिल हो गई ऐसे बारिश में, क्योंकि बाइक के ऊपर जाना था मेरे को, क्योंकि गाड़ी है नहीं। तो आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, कल परसों के लिए चलते हैं कुल्लू। तो मैंने सोचा बहुत दिनों बाद आपके लिए भी कुल्लू का व्लॉग लाऊं, बट आज मौसम ही बहुत ख़राब है, तो अभी 4 बज चुके हैं, इसके बाद जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा ही हो जाएगा। तो बारिश भी अभी कंटिन्यू चली हुई है, तो मैं देवदार के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो अपना गेटअप भी थोड़ा चेंज हो गया है, अलग सा लुक आ गया। तो अभी ऐसे में तो कुल्लू जाना बनता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही भीग गया मैं, एक राइड अभी मार दिया यहाँ पे, तो राइड मारने के बाद बहुत ही गंदी हालत हो गई मेरी, आप देख सकते हो पूरा भीग चुका हूँ मैं। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं पलचान में पहुँच चुका हूँ, और ब्यूटी की बात करें तो आप देख सकते हो अभी बारिश भी रुक चुकी है, और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी आ चुकी है, एकदम स्पेस ही चादर बिछ चुकी है। तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।